हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माइंड मेंटर। मैं प्रवीण जवालिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ सीआरपीसी की नेक्स्ट क्लास में। आज हम बात करेंगे चैप्टर 29, जो कि हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब उसमें हमने क्या क्या पढ़ा। चैप्टर 29 372 से स्टार्ट होता है, जिसमें बताया गया था कि कोई अपील नहीं होगी किसी भी ऑर्डर की, कोर्ट के किसी भी ऑर्डर की, जब तक कि वो प्रोवाइड नहीं है अंडर दिस कोड। मतलब जब तक कि कोड में प्रोवाइड नहीं है, अपील नहीं होगी। और इसके प्रोविजन ने क्या कहा था, हमको ये कहा था कि जो विक्टिम है, विक्टिम को भी अपील का राइट होगा। कब? अगर कोई एक्विटल कर दिया गया है, कोई ऑफेंडर, कोई एक्यूज को एक्विटल कर दिया गया है, तो विक्टिम अपील कर सकता है। दूसरा पॉइंट दिया था, अगर उसको पनिशमेंट कम दी गई है, विक्टिम को लगता है कि इसने जो ऑफेंस किया था, तो इसको पनिशमेंट ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, तो उसे भी अपील का राइट था। ये कहाँ पे है? सेक्शन 372 के प्रोविजन में। फिर उसके बाद हमने एक केस इसमें पढ़ा था, दुर्गा शंकर वर्सेस रघुराज सिंह 1954 वाला। अगर आपने पहली क्लास की वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, आपकी प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नई नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे किसी भी वीडियो का। ओके गाइस, और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे पूरा दिन क्विज चलती रहते हैं, ताकि आपको सेल्फ एनालाइज हो आपकी तैयारी कितनी है। लिंक सभी का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था 373। इस सेक्शन में क्या बताया गया था कि जो पीस बनाए रखने वाले ऑर्डर थे, 106, 107, 108, 109, 110 वाले, उसमें जो 117 और 121 वाला सेक्शन था, 117 सेक्शन कहता था कि जो ऑर्डर दिया गया था आपको सिक्योरिटी जमा करने के लिए, तो उसके ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील हो सकती है। 121 ने बताया था, अगर आपने सिक्योरिटी सबमिट नहीं किया तो आपको पनिशमेंट हुई है, तो उसके अगेंस्ट भी अपील हो सकती है। ठीक है जी, क्लियर हो गया 73 तक। 74 में हमने पढ़ा था कि कौन से कोर्ट की अपील कहाँ होगी। हमने पूरा डायग्राम बना के पढ़ा था उसको, कि हाई कोर्ट की सबकी अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी, कोर्ट ऑफ सेशन, एडिशनल सेशन जज वगैरह की अपील कहाँ होगी, हाई कोर्ट में होगी, या कोई 7 साल से ज़्यादा एयर की पनिशमेंट है तो कहाँ होगी, हाई कोर्ट में। उसके बाद हमने पढ़ा था, इसके अलावा जितने भी कोर्ट हैं, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, आपके असिस्टेंट सेशन जज हो गए, आपके मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास वगैरह, सबके अपील कहाँ होगी, कोर्ट ऑफ सेशन में। ठीक है, ये सब कंप्लीट करने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। अगला पोर्शन, ये अभी तक हमने पहली क्लास का डिस्क्राइब किया है, जो नए जुड़े हैं ताकि उनको समझ आ जाए क्या टॉपिक कहाँ से कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 375 क्या बात करता है। नो अपील ऑन प्लीड ऑफ गिल्टी। अगर आपने कोई प्ली ऑफ गिल्टी किया है, तो वहाँ पे कोई अपील का राइट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो ऑफेंस जो आपने किया था, आपको कन्विक्शन अगर प्ली ऑफ गिल्टी पे हुआ है, वो आपने खुद कबूल किया था कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, तो आपको उसका कोई राइट नहीं मिलेगा। आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ यहाँ पे मैं, आपको होमवर्क है 265G CRPC का 265G आपको पढ़ना है, या तो कमेंट में बताइए इसमें क्या लिखा हुआ है। छोटा सा सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके मेंस के आंसर में इसको फिल कर सकते हो। ठीक है, 265G आपको बताना है क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात इसने बोली, अगर कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट हुआ है, या फिर कन्विक्शन बाय कोर्ट ऑफ सेशन, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने अगर कोई कन्विक्शन किया है, क्योंकि कन्विक्शन ऑन प्लीड ऑफ गिल्टी हम पढ़ चुके हैं सभी ट्रायल में, क्योंकि वहाँ पर डिस्क्रिशन पावर थी उसको कन्विक्ट करने की, प्लस साथ में ट्रायल चलाने के बाद भी कन्विक्ट किया गया था। तो अगर हाईकोर्ट ने कोई कन्विक्शन किया है ऑन प्लीड ऑफ गिल्टी, ठीक है, या फिर किसी ने किया है कोर्ट ऑफ सेशन ने, मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में, तो उससे नो राइट ऑफ अपील, तो उसे अपील का कोई राइट नहीं होगा। ये कौन बता रहा है? सेक्शन 375 ऑफ CRPC। उसके बाद आगे बैठे, लेकिन वहाँ पे एक प्रोविजन दिया गया, वो डायरेक्ट ये कह रहा है, बट इफ द क्वेश्चन इज एक्सटेंट एंड द लीगलिटी ऑफ द सेंटेंस, मतलब जो सजा मिली है उसके परिणाम से या फिर उसकी वैधता का प्रश्न है, तो आप अपील कर सकते हो। ठीक है, तो आप उसकी अपील कर सकते हो। इससे रिलेटिंग दो केस है जो एग्जामिनर को चाहिए आपके मेंस के आंसर में, प्रफुल्ल कुमार वर्सेस एम्प्रेन 1943। याद रखेंगे, प्री में भी पूछा जाता है, प्री कम मेंस में तो आप डालोगे ही, क्योंकि ये मैचिंग कॉलम में आता है आपके प्री में। आगे बढ़ते, दूसरा है केरला वर्सेस गोपीनाथ 1980, केरला वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वर्सेस गोपीनाथ 1980। इस केस में ये कहा गया था कि जो प्लीड ऑफ गिल्टी पे कन्विक्शन हुआ है, वो एक जेन्युइन प्ली थी। वो नॉर्मल, मतलब ऐसे नहीं था कि भी हवा में उसका कन्विक्शन कर दिया, वो जेन्युइन प्ली था। एक आफ्टर ए ड्यू प्रोसेस के थ्रू उसका कन्विक्शन किया गया था, तो इसलिए इनके कोई अपील का कोई राइट नहीं मिलना चाहिए, ये इस केस में कहा गया था। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा। सेक्शन 375 क्लियर है।
375 यही तक था, पहले सेक्शन हम पढ़ चुके हैं और अब आगे हम पढ़ेंगे 376। यह आपका सेक्शन 376 क्या बता रहा है, ये सीधा सीधा सिर्फ ये कह रहा है कि नो अपील फॉर पीटी केसेस, जो पीटी केसेस मतलब बहुत छोटे मामले उनके लिए कोई अपील नहीं होगी। इसने बोला ठीक है कैसे, अलग अलग कोर्ट को हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया, किसके कोर्ट का जजमेंट है, किसका वो ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट की अपील की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम जाते हैं हाई कोर्ट को, जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने अगर कोई पनिशमेंट दिया है, कन्विक्शन किया है, अगर हाई कोर्ट ने 6 महीने में की सज़ा दी है कोई, या फिर 1000 रुपये का जुर्माना दिया है, या फिर दोनों दिए हैं, तो उसकी कोई अपील नहीं होगी। ठीक, क्योंकि हाई कोर्ट बड़ा कोर्ट है तो ज़्यादा पनिशमेंट देगा, लेकिन ये तो उसके लिए बहुत कम है। अगर हाई कोर्ट कोई 6 महीने की सज़ा देता है या 1000 रुपये का जुर्माना देता है तो उसे अपील का कोई राइट नहीं होगा। इज दैट क्लियर? देन आगे बढ़ते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन एंड द मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, इफ द मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एंड कोर्ट ऑफ सेशन पास ए सेंटेंस ऑफ 3 months और 200 rupees, देर इज़ नो राइट ऑफ अपील फॉर एक्यूज। तो एक्यूज के लिए यहाँ पे भी कोई राइट नहीं होगा अपील का, कब, जब वो सिर्फ 3 महीने की सज़ा देता है या फिर 2 महीने की। ये RJS प्री का क्वेश्चन है, RJS 2018 में पूछा गया था राजस्थान जुडिशरी सर्विसेज में कि कोर्ट ऑफ सेशन के 200 रुपये और 3 महीने में किस में अपील का राइट ना होगा। एक जगह 6 महीने था, एक जगह 3 महीने था, एक जगह 1 साल था। तो ये आपका सही आंसर था। प्री और मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, पीटी ऑफेंस दिए गए कि इनकी कोई अपील नहीं हो, किस टाइप के पीटी ऑफेंस की बात कर रहा है CRPC, तो मेंस का पूरा क्वेश्चन ये बनता है आपका। ठीक है, और प्री में तो बनता ही है डायरेक्ट क्वेश्चन, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपील का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन यही है। ठीक है, एक भी नहीं छोड़ना पॉइंट आपको। ठीक है, हाई कोर्ट कौन सा 6 months और 1000 रुपीज, कोर्ट ऑफ सेशन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कितना 3 months एंड 200 रुपीज। देन आगे बढ़ते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेंटेंस की बात नहीं कर रहा है, सेंटेंस नहीं, अगर सिर्फ 100 रुपये का फाइन लगाया है तो आपको पनिशमेंट 100 रुपये के फाइन की लगी है, तो उसके लिए अपील में क्यों जाओगे भाई, बहुत कम पनिशमेंट है, इसके लिए अपील नहीं होगी आपकी कोई, आप अपील में नहीं जा सकते। फिर बात करें जाए 260 में जो समरी ट्रायल हुए हैं, जो कोई ट्रायल समरीली कैलकुलेट किया गया है, समरी ट्रायल में अगर कोई जजमेंट होता है और उसमें आपको 100 रुपये तक का फाइन लगता है तो भी आपकी 200 रुपये का फाइन लगता है तो भी आपको कोई अपील का राइट नहीं होगा। क्लियर? मतलब 260 में अगर आपको कोई 200 रुपये तक का फाइन लगता है तो उसके लिए भी कोई अपील नहीं होगी। आई थिंक ये दोनों सेक्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ये अभी 12 बजे हैं पूरे, तो आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कल शायद कहीं बाहर जाना पड़ता है, टाइम नहीं मिल पाया, तो आगे देखेंगे। और आपकी जो आज वाली क्लास होगी, मतलब संडे वाली, सैटरडे वाली क्लास रिवीजन वाली, वो हम संडे करेंगे, आपका IPC और एविडेंस दोनों का रिवीजन करेंगे, मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन सेक्शन हो जाए आपके। ठीक है, बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे उसको पूरे को। पहले हमने एविडेंस लास्ट सैटरडे कितना किया था, सेक्शन 29 तक किया था, अब 29 से हम 60 तक करेंगे कल क्लास में, मतलब संडे। आज सैटरडे स्टार्ट हो गया है, 12 बज चुके हैं पूरे नाइट के, तो आज हम क्लास नहीं करेंगे रिवीजन की, कल करेंगे। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब और बेल आइकन। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द